हेलो दोस्तों, वेलकम बैक न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में बात करना है कि इंस्टाग्राम पर हमको एक पोस्ट करनी है दो अकाउंट पर, हमें एक पोस्ट को शेयर करना है दो अकाउंट पर, यानी पोस्ट को कोलैब करना है। कैसे करोगे, बस इस वीडियो पूरा कंटिन्यू देखना और ध्यान समझना। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है और मैं अपने होम पेज पर आ चुका हूँ। मेरे इंस्टाग्राम का होम पेज है। सबसे पहले मैं आपको अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है जिसका यूजर नेम है टेक्निकल फ्रोजावादी, मेरा पर्सनल अकाउंट है। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर लेना। अब देखो, मुझे इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट को शेयर करना है, वो भी दो अकाउंट पर, पोस्ट को कोलैब करना है। कैसे करोगे, मैं सब कुछ आपको लाइव दिखाऊंगा। तो आपको क्या करना है, आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर आ जाना है। उसके बाद आपको ऊपर की साइड प्लस का आइकन दिखाई देगा, प्लस का आइकन आ रहा है, सिंपल में आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, अब आपके सामने ऑप्शन आएगा कि आपको रील शेयर करनी है या फिर पोस्ट करनी है स्टोरी। हमें क्या करना है, पोस्ट फोटो को शेयर करना है। तो आप सिंपली पोस्ट वाले सेक्शन पर क्लिक करोगे, जैसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब आपके सामने इंटरफेस आएगा, तो आप इसको परमिशंस को अलाउ कर दोगे। उसके बाद आप जो भी पोस्ट करना चाहते हो, वो आपको फोटो वगैरह आपको अपने इंस्टाग्राम में सेलेक्ट कर लेना। तो जैसा कि आप देख सकते हो, इस फोटो को मैंने सेलेक्ट कर लिया जिसको मैं पोस्ट करना चाहता हूं। तो आप इस प्रकार से सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद ऊपर आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, सिंपल पे आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, अब आपके सामने देखो इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो आपको क्या करना, आप इसको फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करोगे। मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया, अब आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। बस वीडियो पूरा यहाँ पर कंटिन्यू समझना, यहाँ पर आपको मेन पॉइंट बताने वाला हूँ। आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। अब देखो, आप जो भी यहाँ पे इस फोटो के बारे में लिखना चाहते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गुड मॉर्निंग, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया गुड और उसके बाद मॉर्निंग। जो भी आप फोटो के बारे में लिखना चाहते हो, वो आप यहाँ पे लिख दोगे। मैंने ओके पे क्लिक कर देता हूँ, मैं ओके। अब आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब आपको क्या करना है, देखो आपको इस एक फोटो को दो अकाउंट पर शेयर करना है। उसके लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा, ये वाला टैग पीपल, ये ऑप्शन आ रहा है। इसकी मदद से कैसे करोगे, आपको इस पर क्लिक करना है टैग पीपल पे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, अब देखो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा इनवाइट कोलैबोरेटर, से ऑप्शन आ रहा है। सिंपल वे आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, अब आप अपनी पोस्ट को किसके साथ शेयर करना चाहते हो, उस यूजर को यहाँ पे फाइंड कर लेना। जो कोई भी आपका दोस्त हो, फ्रेंड हो, भाई हो, उसको आप यहाँ पे सर्च करोगे उस अकाउंट को। जैसे कि मेरा एक दूसरा अकाउंट, मैं अपना यहाँ पर एक दूसरा अकाउंट सर्च कर लेता हूँ। मेरा ये दूसरा अकाउंट, मैंने इसको सर्च कर लिया। अब आप देख सकते हो, आप जिसको भी सिलेक्ट करना चाहते हो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो इस प्रकार से। उसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर आप सही वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। जैसे मैंने सही पर क्लिक कर दिया, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अकाउंट यहाँ पे टैग हो चुका है। उस भी अकाउंट पर पोस्ट दिखाई देगी। कैसे दिखाई देगी, मैं अभी आपको लाइव दिखाऊंगा। अब आप यहाँ पे लोकेशन डालना चाहे लोकेशन डाल सकते हो, म्यूजिक डालना चाहे म्यूजिक भी डाल सकते हो, जो भी आपको लगाना है आप लगा सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आप शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। जैसे आप इस शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, ये पोस्ट शेयर हो जाएगी, पर लेकिन अभी एक ही अकाउंट पर दिखाई देगी। मेरी बात को गौर समझना, मैं आपको बता देता हूँ। देखो अभी ये मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट शेयर हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनली, यहाँ पर मेरा ये अकाउंट शो हो रहा है, देख सकते हैं टेक्निकल फ्रोजावादी। अब एक क्यों आ रहा है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। देख सकते हैं ये वाला पोस्ट है, मेरे इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट शेयर हुई है, लेकिन यहाँ पे एक ही पर्सन आ रहा है, वो भी मैं अकेला आ रहा हूँ। अब यहाँ पे मुझे दो पर्सन को ऐड किया था, वो कैसे आएंगे, देखो आपने जिसको भी टैग किया है उसके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। जब तक वो इसको अपसेट नहीं करेगा, उसके अकाउंट में पोस्ट नहीं होगी। सामने वाले बंदे को आपने जिसको टैग किया, उसको वो रिक्वेस्ट को अपसेट करना पड़ेगा। कैसे अपसेट करेगा, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे आपकी लॉक बन के आ रहा है, यहाँ पे मेरा नाम आ रहा है, मैंने दूसरी आईडी को टैग किया है, लेकिन यहाँ पे लॉक आ रहा है। जब तक वो सामने वाला बंदा इसको अपसेट नहीं करेगा, ये पोस्ट शेयर नहीं होगी दूसरे अकाउंट पर। तो मैं अभी आपको अपने दूसरे अकाउंट पर लॉग इन करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं जाता हूँ अपने दूसरे वाले इंस्टाग्राम अकाउंट पर, मैं अपने अकाउंट को स्विच कर लेता हूँ। मैं आ चुका हूँ अपने दूसरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर। अब मैं जाता हूँ अपने पोस्ट के सेक्शन में, देख सकते हैं ये मैं अपना दूसरा वाला इंस्टाग्राम अकाउंट मैंने लॉग इन कर लिया। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। अब देखो यहाँ पर मेरे पास नोटिफिकेशन आ चुका है उस वाले अकाउंट से, टेक्निकल फ्रोजावादी वाले अकाउंट से। मैंने इसको ओपन कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं जिसको भी आपने टैग किया है, उसके बाद इस तरीके से नोटिफिकेशन जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे पोस्ट जा रही है पूरी, और यहाँ पे ऑप्शन जाएगा व्यू रिक्वेस्ट का, ये ऑप्शन उसके पास जाएगा सामने वाले बंदे को जिसको आपने टैग किया है। तो उसको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है व्यू रिक्वेस्ट पे। जैसे इस पर क्लिक करेगा, उसको पोस्ट दिखाई दी जाएगी। उसके बाद ये मुझे अपसेट करनी है। कैसे करोगे, आपको रिव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप रिव्यू पर क्लिक करोगे, अब यहाँ पे ऑप्शन आएगा अपसेट करने का। सिंपली आपको अपसेट पर क्लिक कर लेना सामने वाले बंदे को जिसको आपने टैग किया है। अब ये पोस्ट कोलैबोरेट हो चुकी है, देख सकते हैं ये वाले यहाँ पे, देख सकते हैं दोनों लोगों का यहाँ पे यूजर नेम आने लगा, दोनों अकाउंट पर पोस्ट शेयर हो चुकी है। मैं आपको इस दूसरे वाले अकाउंट पर भी दिखा देता हूँ। जैसे मैं जाता हूँ अपने दूसरे वाले इंस्टाग्राम, अब आप देख सकते हैं मेरा दूसरा वाला इंस्टाग्राम अकाउंट पर है, इस पर भी ये पोस्ट शेयर हो चुकी है। अब ऑप्शन है टेक्निकल फ्रोजावादी एंड अनुपम पाठक, दोनों ऑप्शन आ रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से एक पोस्ट को दो अकाउंट पर शेयर कर सकते हो, जैसे मैंने आपको लाइव करके दिखाया है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर कुछ भी सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।